नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बर्फीले तूफान का कहर, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों घायल, जम्मू कश्मीर में भी जारी किया गया अलर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी तनातनी, अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी, कहा भिड़ने की कोशिश न करे ईरान। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद अमेरिकी पहलवानों के प्रवेश पर ईरान ने लगाई है रोक। वीजा प्रतिबंध मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर झटका, कोर्ट ने अपील को नकारा। अमेरिकी कानून विभाग ने जिला अदालत के फैसले को कोर्ट में दी थी चुनौती। 27 साल बाद रोमानिया में दिखा सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन, सरकार ने विवादास्पद भ्रष्टाचार कानून को लिया वापस, फिर भी रोमानिया वासी प्रदर्शन पर डटे। नेपाल में 37 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नेपाल में अवैध प्रवेश करने का है आरोप, पुलिस ने मामले को आव्रजन विभाग को सौंपा। और दक्षिणी होंडुरास में यात्री बस और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर, 17 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा जख्मी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, आप देखते रहिए डीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।